हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह, और जिस विषय की आपकी चर्चा करेंगे आपके बीच, हम वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा के संदर्भ में। साथियों, लगातार आपको बताते चल रहे हैं जो अपडेट है कि 19 मार्च 2023 को यानी सचिवालय सहायक की परीक्षा रद्द कराने को लेकर, यानी दो शिफ्ट की परीक्षा, पहली परीक्षा जो 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली में आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि पेपर लीक था, और पेपर लीक के माध्यम से सरकार को बताने का यह प्रयास किया गया कि आपने जो जांच कमेटी बैठाई है और उसका जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के आधार पर आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तीनों पेपर, तीनों शिफ्ट की परीक्षा जो है रद्द करने की तरफ आपको कदम बढ़ाने चाहिए। परंतु सरकार ने छात्रों अभ्यर्थियों की बात न सुनकर, उनकी बातों को दरकिनार करके, निश्चित रूप से एक बात स्पष्ट हो गया है कि सरकार इन लोगों की बात नहीं सुनना चाहती। अब मात्र एक शिफ्ट की परीक्षा, वो भी कब, साथियों आपको पता है कि जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उसी दिन दोपहर में जो लॉ एंड ऑर्डर ADJ JS गंगवार साहब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो बता रहे थे कि कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल फेयर परीक्षा हुई है। परंतु ऐसा कुछ नहीं था, और उसी दिन रात में जो है पेपर जो है 23 की प्रथम पाली की जो परीक्षा थी उसको रद्द किया गया। साथियों, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि 23 की दूसरी पाली और 24 की जो परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए, परंतु सरकार ऐसे हुई नहीं, और लगातार आंदोलन होते रहे, हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी जो बात है, तब हम लोग तत्पश्चात हम लोग जो है हाईकोर्ट की तरफ मूव किए और प्रयास कर रहे हैं कि 19 तारीख के दिन, यानी 19 जुलाई 2023 को जो हियरिंग होगी, उस हियरिंग के माध्यम से कुछ ऐसा स्पष्ट निश्चित रूप से कोई रास्ता निकलेगा। और हम लोग को पूरा भरोसा और उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर कि छात्रों, 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर एक निश्चित रूप से जो स्टे की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, उस पर स्टे लगाने का प्रयास जो हम लोग के लॉयर द्वारा किया जा रहा है, उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। साथियों, दो तीन बिंदु हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आप अपडेट देखेंगे कि 19 तारीख की हियरिंग, यानी 5 जुलाई को जो हियरिंग हुई उसका जो अपडेट आया, उसमें ये स्पष्ट है कि आप जो हैं सो OMR sheet की कार्बन कॉपी या जो क्वेश्चन बुकलेट है या इसके संदर्भ में कुछ ऐसे जो है कट ऑफ कितना आया, परसेंटाइल पर रिजल्ट आया, इन सारे चीज़ों को हमने आपसे कहा था कि आप चेयरमैन या सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखे और उनसे पूछे कि आपने क्यों नहीं, कितना मार्क्स किसको आया या क्यों फेल हुआ या किस कारण से कितना क्या हुआ, कट ऑफ कितना जाना चाहिए, कितना गया, इन सब चीज़ों पर एक आप बताते कि क्या है नहीं है। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और 9 लाख परीक्षार्थियों का सीधे रिजल्ट निकाल दिया गया। साथियों, आपको पता है कि जो दोबारा परीक्षा हुई 5 मार्च को, यानी 23 की जो पहली पाली की परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा हुई, उसके मात्र 2600 रिजल्ट हुए, और 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली की परीक्षा को मिलाकर कहा जाए तो 9000 से ज़्यादा रिजल्ट है। तो स्पष्ट है कि 11500 रिजल्ट हुए, तो इसमें स्पष्ट है कि जो पेपर लीक का मामला था उसके संज्ञान में मामले को एक दूसरे तरफ से ले जाने का प्रयास किया गया। अभी दो तीन बिंदु पर हम खास चर्चा करेंगे। आपको हमने लगातार कहा है कि आप अपने आवेदन के माध्यम से सचिवालय सहायक के जो BACC के चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी हैं, उनको एक चिट्ठी लिखें और उनसे पूछें कि OMR sheet की कार्बन कॉपी या अपना कट ऑफ या कब बताएंगे या नहीं बताएंगे, वो चिट्ठी लिखें, और उसका जो आवेदन आप लिख रहे हैं उसकी एक कॉपी आप मुझे भेज दें ताकि हम कोर्ट में जो है सबमिट कर सके। साथियों, 19 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके पहले दो तीन चीज़ों पर हम खास चर्चा करेंगे कि आपको हम लगातार अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से ये बता रहे थे, पूछ रहे थे कि 15000 से 20000 रुपये की और ज़रूरत है लॉयर को देना है, और वो भी 19 के पहले। परंतु आप लोग की सक्रियता जिस प्रकार की है, कोई 50, कोई 5, कोई 1-2 रुपये भेज रहे हैं, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि घर बैठे बैठे सारे जो चीज़ें हैं आपके हाथ में आ जाए और सब चीज़ें बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना प्रोटेस्ट में आते हैं, ना आर्थिक रूप से मदद करते हैं, सिर्फ कमेंट करते हैं, और वो भी निगेटिव कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं, अरे ऐसे भी तो कुछ नहीं हुआ। सचिवालय सहायक के परीक्षा में एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, लोग बैठे हुए थे, कर रहे थे इंतजार, कोई किसी के भरोसे नहीं बैठा है, आप भी कुछ कीजिए, क्यों कोई चाहेगा। मामला सिर्फ मेरा नहीं है, मामला 9 लाख परीक्षार्थियों का है, हम प्रयास कर रहे हैं। जब आपको लगा कि पेपर रद्द नहीं हुआ या प्रोटेस्ट के माध्यम से नहीं होने वाला है, तब हमने हाईकोर्ट मूव किया, वो भी आपसे पूछने के बाद। क्या हाईकोर्ट मूव करना चाहिए? मुझे भी लगता है कि मुझे हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी कोई भी, आप जो है ना, किसी भी प्रकार से आप हेल्प नहीं करना चाहते हैं, न डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। अगर आप 10, 20, 50, 100, 500 अगर खर्च कर देंगे तो इसे आपको, आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। 9 लाख परीक्षार्थी है,
और मात्र 1,00,000 रुपये जमा करने के लिए मुझे कम से कम 10 से 15 दिन बोलना पड़ा। तो इस तरह से बात अगर आप करेंगे तो 19 तारीख के बाद कुछ नहीं होने वाला है। 19 तारीख के दिन ही फैसला होगा कि छात्रों के हक में फैसला आएगा या सरकार के पक्ष में फैसला जाएगा। अगर 19 तारीख के दिन स्टे लग जाता है तो हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से बीएससी सचिवालय साहब की पीटी की जो परीक्षा है उस पर हम रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसको रद्द कराने की तरफ एक कदम और हम बढ़ जाएंगे। परंतु इस तरह की जिस प्रकार की आपकी बातें हैं, जिस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से घोर निराशा हुई है साथियों। आपसे हम आग्रह करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि जो चीज़ें आप तक पहुंच रही है आप हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। बस आपको करना क्या है, जो भी सक्षम है, ऐसा तो नहीं है कि हम 1,000-2,000 रुपये मांग रहे हैं। परंतु नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं जो 1,000-2,000 रुपये भेजे हैं, परंतु अभी तक जो हम पैसा जमा किए आप ही के सहयोग से जमा किए। कुछ शिक्षकों का भी सहयोग मिला और आपका सहयोग मिला, तभी हम लॉयर का। अब लॉयर जो है 19 तारीख के पहले वो बोल रही हैं कि हमको पैसा मिल जाना चाहिए। तो आपसे हम फिर हम आग्रह करते हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से कि निश्चित रूप से आप इस बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और आपको लगता है, कोई अब लिख रहा है कि उसमें कि आप गांजा पीते हैं, तो कोई बोल रहा है कि दारू पीते हैं, पता नहीं ये मानसिकता किस प्रकार के छात्रों की है। इस प्रकार के छात्र नहीं हो सकते हैं, वो या तो सेटर है या किसी भी प्रकार से अपना यूट्यूब पर तरह तरह का बनाकर और सोच रहा है कि कमेंट, इस कमेंट करने से क्या फ़ायदा है, कुछ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप स्पष्ट जान लीजिए सचिवालय साहब की परीक्षा क्या 19 तारीख को दिन बहुत बड़ा फैसला होगा। और उस फैसले के हम लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट था, तीनों शिफ्ट के परीक्षा रद्द कराने के लेकर हम लोग के पास जितना भी डॉक्यूमेंट था, जो चीज़ हमारे लॉयर बोल रहे हैं, सब एक एक चीज़ हम उपलब्ध करा दिए हैं। अगर कोई कमी है तो वो है कि उनको पैसा देना है बस। अगर हम लोग के तरफ से कोई कमी ऐसे नहीं है जिसके चलते हम लोग कोर्ट में केस हार जाएं। परंतु आपसे हम उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें सरकार और आयोग गलत कर रही है, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर हम लोग इंतज़ार करेंगे। और जो भी चीज़ें होंगी निश्चित रूप से 5802/2023 सौरभ कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का केस आप देख सकते हैं कि उसका क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या अपडेट है। और तमाम जानकारी के लिए आप 19 तारीख के दिन हम आप भारी से भारी संख्या में गेट नंबर 5 बिहार पटना हाई कोर्ट के पास आप आएँ और देखेंगे कि जो हियरिंग की प्रोसीडिंग जो कहाँ तक पहुँचेगी और क्या होने वाला है, एक एक चीज़ की तथ्यात्मक बिंदु जो है हमारे लॉयर रितिका रानी जी निश्चित रूप से आपके बीच मीडिया के बीच आकर करेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।